सरकारी डॉक्टर के क्लिनिक सील करने पर नगर मजिस्ट्रेट से ताली बजा बजा कर जमकर किया हंगामा। सरकार स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर तमाम तरह की योजनाएं और सुविधाएं आम जनमानस को दे रही है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसे सरकारी डॉक्टर हैं जो इन महत्वपूर्ण योजनाओं को मिट्टी में मिलाकर सरकार की छवि को बदनाम कर रहे हैं। सरकार से पैसे लेते हैं और कहते हैं प्राइवेट काम। आपको बताते चलें कि बलिया में भले ही स्वास्थ्य मंत्री सहित तमाम आला अधिकारी अस्पतालों का निरीक्षण करते हैं, लेकिन यहाँ हॉस्पिटल में तैनात हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर गौरव राय की दबंगई अलग अंदाज में दिखी। जहाँ सिटी मजिस्ट्रेट की जांच करने पहुंचने पर डॉक्टर अस्पताल अवधि में प्रैक्टिस करते नजर आए। हालांकि सिटी मजिस्ट्रेट ने क्लिनिक को सील करवा दिया। चर्चा ये भी है कि बाप शेर तो बेटा सवा शेर। इन लोगों का तमाम मामला हुआ, लेकिन बाद में जाकर कार्यवाही के नाम पर कुछ नहीं होता है। चर्चा ये भी है कि डॉक्टर गौरव राय से जिला अस्पताल में कोई भी सांस नहीं लेता है, इसलिए कि न केवल वो दबंग किस्म के हैं बल्कि पैसे के बल पर भी बहुत कुछ संभव कर लेते हैं। तुम्हारे खिलाफ FIR दर्ज करवाऊंगा, हाँ जेल जाऊंगा, नेता मत बनो, डॉक्टर हो डॉक्टर की तरह रहो। सुना आपने, ये बातें बोलते हुए बलिया के सिटी मजिस्ट्रेट इंद्रकांत द्विवेदी हैं, जो जिला अस्पताल में तैनात हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर गौरव राय हैं। इन्हें समझा रहे हैं, लेकिन डॉक्टर तनिक भी आगे पीछे नहीं सोच रहे। अकड़ दिखाकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि स्थिति क्या होगी। इस बीच डॉक्टर ने सिटी मजिस्ट्रेट को धक्का देने का भी प्रयास किया, जिसे समय रहते पुलिस ने नाकाम कर दिया। सिटी मजिस्ट्रेट ने बताया कि जांच में आने पर अवैध अल्ट्रासाउंड भुवनेश्वरी महावीर अल्ट्रासाउंड सहित 4 को सीज किया गया है। साथ साथ ये बताना होगा कि अस्पताल अवधि में प्रैक्टिस करने का अधिकार है कि नहीं, इसके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। मौके पर पहुंचे सिटी मजिस्ट्रेट इंद्रकांत द्विवेदी का कहना है कि जिलाधिकारी के यहाँ शिकायत मिली थी। जिला अस्पताल में सरकारी डॉक्टर्स अस्पताल में जो समय है न बैठकर अपने अपने आवास या क्लिनिक पर प्रैक्टिस करते हैं, उसी क्रम में जिलाधिकारी ने CDO से जांच कराई। जिलाधिकारी महोदय के यहाँ एक शिकायत मिली कि डॉक्टर सरकारी डॉक्टर जिला चिकित्सालय में ना बैठ करके जो जिला चिकित्सालय में बैठने का टाइम है उस अवधि में बैठकर अपने अपने आवास पर या अपने अपने क्लिनिक पर उनके द्वारा जो है प्रैक्टिस की जा रही है। इस शिकायत पर जिलाधिकारी महोदय ने CDO सर से जांच कराई। जांच में पाया गया कि लोग अपना अपना क्लिनिक अपना अपना अल्ट्रासाउंड खोल करके कार्य करते हुए पाए गए, तो जिलाधिकारी महोदय के निर्देश पर और CDO साहब के निर्देश पर इन लोगों की जो अल्ट्रासाउंड चल रही है उसको सील किया गया है और उनको ये दिखाना होगा कि उनका वॉयस अल्ट्रासाउंड है कि नहीं। और दूसरी चीज़ ये है कि उन्हें चिकित्सालय अवधि में प्राइवेट प्रैक्टिस करने का अधिकार है या नहीं, ये सब चीज़ें जब दिखाएंगे तब उनके खिलाफ जो है जो भी कार्रवाई बनती है वो की जाएगी। भुवनेश्वरी अल्ट्रासाउंड है, उसके बगल में एक्सरे भुवनेश्वरी है, महावीर अल्ट्रासाउंड है और गौरव क्लिनिक है, 4 को सील किया गया है। यहाँ पर मौके पर आप लोगों के साथ भी कुछ मिस किया? नहीं नहीं, लोग आपत्ति तो करते ही हैं कि क्यों कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, पूछताछ करते हैं, इस तरीके से कोई आपत्ति नहीं होती। हर आदमी जिसके दुकान सील होती है तो थोड़ा सा आक्रोशित होता है, तो आक्रोशित कुछ हुए थे। गौरव एक हैं सरकारी हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं, उनके द्वारा कुछ ऐसा किया गया, उनको समझाया गया कि ये नहीं नहीं धक्का मुक्की की बात नहीं, धक्का मुक्की जैसी कोई बात नहीं हुई। एक डॉक्टर हैं और आप सिटी मजिस्ट्रेट हैं सर, CDO साहब भी हैं, जब सारे प्रशासनिक अधिकारी हैं और एक वो भी सरकारी कर्मचारी हैं, तो फिर यहाँ जिंदाबाद के नारे लगाने के नहीं लगाना चाहिए। मुझे लगता है कि एक शासकीय कर्मचारी को ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए कि अपनी बात को तरीके से रखना चाहिए, लेकिन वो तो एक आम जनता जैसे जो है कुछ व्यवहार करना शुरू कर दिए वो कोई, लेकिन फिर भी ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। और निश्चित रूप से ये उच्च अधिकारियों के संज्ञान में प्रकरण लाया जाएगा। सबसे बड़ा सवाल है कि यहाँ पर जितने भी डॉक्टर देखे जा रहे हैं अल्ट्रासोनोग्राफी में या एक्सरे में, यहाँ बगैर डिग्री के ये सभी संचालित हो रहे हैं, और इसका जीता जागता उदाहरण है कि जिला चिकित्सालय में एनेस्थीसिया का डॉक्टर नहीं है, अल्ट्रासोनोग्राफी का डॉक्टर नहीं है, एक डॉक्टर है जिसके भरोसे कार्यक्रम चलता है, तो फिर यहाँ कौन चलाता है सर? आप लोगों से जो शिकायत मिली है उसी के क्रम में ये जाँच हो रही है, और जो भी अवैध अल्ट्रासाउंड संचालित करते हुए पाए जाएंगे उन सबके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। हिरासत में भी ले जाएगा? किसी को हिरासत में लेने का कोई औचित्य नहीं है, जब तक जाँच पूरी ना हो जाए तब तक कोई कार्रवाई किया जाए।